स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है सागर क्लासेस में। और आज मैं आप सभी को एक नया वीडियो देने जा रहा हूँ। हमारा ये वीडियो जो है वो डीलेट 2017 के रिगार्डिंग में है कि अभी आपने देखा कि फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और 3 लाख रैंक तक के लोगों को जो है वो सीटें दी जा चुकी हैं। फिर भी फ्रेंड्स, अभी बहुत सारी सीटें जो हैं खाली रह गई हैं और ये उन लोगों के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है जिनकी रैंक 3 लाख से ज़्यादा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिरकार 3 लाख से ज़्यादा के जो रैंक वाले लोग हैं क्या उनको कॉलेज मिलेगा, कितनी सीटें अभी बाकी रह गई हैं, क्या सारा प्रोसीजर है, उन सभी चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो एक बार जान लीजिए कि जो भी लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। अगर आपको पसंद आते हैं तो मैं समय समय पर आप सभी को डीलर से जुड़ी सारी जानकारी देता रहता हूँ। अब मैं आप सभी को ले जाऊँगा नेक्स्ट स्लाइड। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पर एक नई स्लाइड दिखाई पड़ रही है जिसमें साफ साफ लिखा है कि डीलेट की काउंसलिंग का पहला चरण पूरा हो चुका है, फेज़ वन पूरा हो चुका है और फेज़ टू जो है वो आपका 27 सितंबर से स्टार्ट है। तो वो लोग जो कि 1 से 3 लाख तक के रैंक के बीच के लोग थे, उनको कॉलेज मिला है, उन्होंने कॉलेज अलॉट किया है, अपना एडमिशन लिया। काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा कि यार उनको कॉलेज तो उनके ज़िले से बहुत दूर मिल रहा है तो उस कॉलेज को छोड़ देंगे, अगली फेज़ मिलेंगे, हो सकता है उन्हें अपने ज़िले में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल होता है, जब आपको फर्स्ट फेज़ में, फर्स्ट काउंसलिंग में अपने मन का कॉलेज ना मिले तब सेकेंड में आपको अपने मन का कॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं सेकेंड में भी छोड़ूँ तब थर्ड में मुझे मिले, तो ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल है। इस बार जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 लाख से ऊपर जो थी वो डीलेट की सीटें थी, तकरीबन 70% सीटें हैं जो भर चुकी हैं। आप सभी आप देख रहे होंगे सामने कि 2,04,000 सीटें थी पहले चरण में से, तकरीबन 70% सीटें जो हैं वो भरी जा चुकी हैं। अब केवल 30% सीटें जो हैं वो बाकी रह गई हैं। इनमें ओबीसी, एससी, एसटी की सीटें हैं, सामान्य की सबसे कम सीटें हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि 27 सितंबर से आपके लिए सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल आ जा गया। हो सकता है 26 की रात तक या 25 तक आपके पास ये शेड्यूल आ जाए और 27 तारीख से आपके सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग शुरू हो जाए। प्रोसीजर बिल्कुल ही सेम रहेगा जैसे कि पहला था। सबसे पहले आप अपनी रैंक, तो आप सभी को अपनी पता है आपकी रैंक कितनी है, उसके बाद बस आपको कॉलेज लॉक करना है। कॉलेज लॉक करने के बाद आपको 2,000 रुपये का एक डीडी देकर अलॉटमेंट लेटर पोस्ट करना होगा, अपना प्रिंट करना होगा। उसके बाद जो भी आपको संस्था आवंटित होगी, अब जो भी कॉलेज लॉक करोगे अपना, ठीक है, 27 तारीख से जो भी आप कॉलेज लॉक करोगे, जो भी संस्था आपको आवंटित होगी, उसके लिए आपको 2,000 रुपये का अलॉटमेंट लेटर प्रिंट मारना है। उस अलॉटमेंट लेटर को जाके अपना कॉलेज वेरिफिकेशन कराना है और अपना आपको अभिलेखीय जज कराकर जो है वो अपना एडमिशन जो है वो लेना है। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रोसीजर 27 सितंबर से पूरी तरीके से शुरू हो जाएंगे क्योंकि सरकार अक्टूबर के आप मानी चलिए सेकेंड वीक से आपकी पढ़ाई जो है वो शुरू करा देगी। तो मेरी तरफ से एट द लास्ट बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, आपके जो भी फ्रेंड्स जागरूक हैं उनको वीडियो को शेयर करते रहिए। हम मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए शिक्षक के साथ में।